everyone and welcome back to my YouTube channel with a new background. Wow. तो आज हम try करने वाले हैं ये वाली water coloring book जो कि मैंने order की थी online Meesho से. तो मैंने ये दो के पैक में ऑर्डर की थी और इसमें आपको कोई भी रैंडमली दो बुक्स रिसीव होती है. तो फर्स्ट मुझे मिली है ये प्रिंसेस वाली कलरिंग बुक और सेकंड मुझे मिली है ये यूनिकॉर्न वाली कलरिंग बुक और ये दोनों मुझे मिली है 120 रुपीज़ में. तो फर्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ ये प्रिंसेस वाली कलरिंग बुक. तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है. तो सबसे पहले हमें मिला है ये पेंट ब्रश जिसकी क्वालिटी ओके है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. पर अगर बात करें इस कलरिंग बुक की तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. इसके कवर पे जो ड्राइंग बनी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अगर बात करें पेजेस की क्वालिटी की तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो इसका है वो है कि इसके अंदर आपको वाटर कलर्स भी मिलते हैं. इसके अंदर जो ड्राइंग्स बनी हुई है वो सारी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड इसके अंदर टोटल 12 डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग मिलती है. तो अभी हम इसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा वाटर और ये ब्रश जो कि इसके साथ में आया था मैं यही यूज़ करने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले मैंने यूज़ किया है पिंक कलर है, उससे मैंने इस फ्लावर में कलर किया है ट्राई करने के लिए, बट इसका पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ करके देखती हूँ. तो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है पेटल्स को पेंट करने के लिए, पर फिर भी इसका पिगमेंटेशन अच्छा नहीं आया. फिर मुझे लगा कि शायद ये ब्रश ही बेकार है. तो उसके बाद मैंने ब्रश चेंज किया और अपने कैमल के ब्रश से पेंट करना स्टार्ट किया एंड ये सच में काम कर गया. इससे कलर्स में बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेशन आने लगे. तो फिर मैंने कलर करना कंटिन्यू किया. तो अभी मैं एक एक करके धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स में कलर करती जाऊंगी और साथ ही मैं आपको इस कलरिंग बुक के बारे में डिटेल में बताती हूँ. तो ये बुक मैंने ऑर्डर की थी मीशो से जो कि 120 रुपीस में मुझे दो मिली है. नॉर्मली इसमें एक का प्राइस 120 रुपीस रहता है, बट इस बार मुझे ये 120 रुपीस की दो मिल रही थी तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया. तो अगर हम इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करें तो जो इसके पेजेस है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड वो काफ़ी थिक भी है और इसमें जो ड्राइंग्स प्रिंट हुए हुए उसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सारी लाइंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बस इसमें कलर की पिगमेंटेशन थोड़ी कम है और कलर ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा नहीं है. बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है. ऑल्सो आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी है. तो अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अभी मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया तो अभी आप थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए. इसी के साथ में हमारी ये प्रिंसेस वाली पेंटिंग बनके रेडी हो चुकी है जो कि कुछ ऐसी लग रही है. आई थिंक कि अगर इसमें थोड़े और ज़्यादा कलर ऑप्शंस होते तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी. तो इसी बात को सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और पेंटिंग करूँगी, बट इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे. तो अपनी इस सेकेंड पेंटिंग को कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने वाटर कलर केक्स. तो चलिए देखते हैं कि ये कैसी बनती है. फाइनली हमारी दोनों पेंटिंग्स बनके रेडी हो गई है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन दोनों में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.